वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है लेटरिंग एंड नंबरिंग एज पर BIS SP 46 2003। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। लेटरिंग इज डिफाइंड एज राइटिंग ऑफ टाइटल्स, सब टाइटल्स, डायमेंशंस एक्सेट्रा ऑन अ ड्राइंग। तो जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें हम जो टाइटल, सब टाइटल, डायमेंशन वगैरह और जो अदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसको हम जो लिखने का वे है तो उसको हम लेटरिंग कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्राफिकल एलिमेंट्स, ग्राफिकल एलिमेंट्स का मतलब है जो अपने ड्राइंग है, लाइंस, आर्क्स, सर्कल्स एक्सेट्रा, उनके अलावा टेक्निकल ड्राइंग में जो हम रिटन इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उस रिटन इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं लेटरिंग। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? टू अंडरटेक प्रोडक्शन वर्क ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग, द साइज एंड अदर डिटेल्स आर इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग। दिस इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड डायमेंशन। तो जो हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कंपोजर से कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी हमने मशीन बनाई, तो उसके जो कंपोनेंट्स बनाएंगे हम, ठीक है, तो उनका हमें साइज, उनके डिटेल्स वगैरह ड्राइंग में लिखनी होगी। तो उसको लिखने के लिए हमें डायमेंशन वगैरह और नोट वगैरह की ज़रूरत होगी। मेन फीचर्स ऑफ लेटरिंग आर लेजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड रैपिडिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसका मेन फीचर क्या है? जो लेटरिंग होनी चाहिए, जो अपन लिखते हैं लेटर्स, तो लेजिबल मतलब ईजी टू रीड, मतलब अच्छी तरह से हम उसको पढ़ पाए, क्लियर हो, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और रैपिडिटी ऑफ एग्जीक्यूट अच्छे से होना चाहिए। यूज़ ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर लेटरिंग कंज्यूम्स मोर टाइम। अगर हम लेटरिंग को बनाने के लिए भी जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लेटरिंग शुड बी डन फ्री हैंड विद स्पीड, तो ये हम फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहिए एंड विद स्पीडली हमें ड्रॉ करना चाहिए। प्रैक्टिस अकंपनाइड बाय कंटिन्यूस एफर्ट्स वुड इम्प्रूव द लेटरिंग स्किल एंड स्टाइल। अगर हम इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको जल्दी, लेटरिंग को जल्दी बना पाएंगे और अच्छे से तैयार कर पाएंगे। पुअर लेटरिंग मास्क द अपीयरेंस ऑफ एन अदरवाइज गुड ड्राइंग। अगर हमने अच्छी ड्राइंग ड्रॉ करी है और अगर हमने उसमें जो उसकी डिटेलिंग है, उसका लेटर्स वगैरह जो भी अपन ने लिखा है, डायमेंशंस वगैरह, अगर हमने उसको अच्छी तरह से शो नहीं किया, अगर अच्छी तरह से हमने उसकी डिटेलिंग नहीं लिखी, तो वो एक अच्छी ड्राइंग को भी बुरी ड्राइंग बना सकता है। तो इसीलिए लेटरिंग का नॉलेज होना, उसको अच्छी तरह से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टाइल्स ऑफ लेटरिंग, तो सबसे पहले है इसके स्टाइल्स में गॉथिक। ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक्स ऑफ इवन विड्थ आर क्लासिफाइड एज गॉथिक। जो भी लेटर्स है, जो उनकी विड्थ है, ये हाइट होती है किसी भी लेटर की और ये विड्थ है, तो जो विड्थ है गॉथिक स्टाइल में, तो हर लेटर के जो विड्थ है वो इक्वल साइज में होगी, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में देख लें या स्मॉल लेटर्स में देख लें, इन सब का जो विड्थ है वो सेम होता है। नेक्स्ट है रोमन। ऑल लेटर्स हैविंग द एलिमेंट्री स्ट्रोक्स एसेंटेड और कंसिस्टिंग ऑफ हैवी एंड लाइट लाइंस। जो या तो हैवी लाइंस हो, लाइट लाइंस हो, लेकिन हर एक का अपना अलग अलग होता है एलिमेंट्री स्ट्रोक, तो वो हो जाएगा रोमन। नेक्स्ट इसमें देखेंगे टेक्स्ट। This term includes all styles of English, German text, Bradley text of other or various texts and text styles are too illegible for commercial purpose. जो हम use करते हैं drawings वगैरह उसमें हम text normally use नहीं करते हैं, तो इसमें बहुत टाइप की, जैसे ओल्ड इंग्लिश हो गई, जर्मन टेक्स्ट हो गई, ब्रैडली टेक्स्ट हो गई, ये सब टेक्स्ट में आता है, टेक्स्ट स्टाइल्स में आता है। और नेक्स्ट है इटैलिक। ऑल स्लैंटिंग लेटर्स आर क्लासिफाइड एज इटैलिक्स। किसी को भी लेटर को हमें तिरछा लिखना है, इटैलिक, तो वो इटैलिक कहलाता है। तो इटैलिक हम गॉथिक स्टाइल में लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट में। किसी को भी लेटर को हम किसी एंगल पर लिखेंगे तो वो इटैलिक्स बन जाएगा। गाइडलाइंस। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन करेक्ट एंड यूनिफॉर्म हाइट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, गाइडलाइंस आर ड्रॉन। किसी भी नंबर को लिखने के लिए, मतलब एक यूनिफॉर्म हाइट में और यूनिफॉर्म ब्रेथ में लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमें गाइडलाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। और जो यूजिंग 2H पेंसिल विद लाइट प्रेशर, वो एकदम लाइट प्रेशर से ड्रॉ करी जाती है। और कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं हम, उसमें
टू एच पेंसिल यूज़ करते हैं। एच पी ग्रेड कॉनिकल एंड पेंसिल यूज़ फॉर लेटरिंग। जो गाइडलाइंस के लिए तो हम टू एच पेंसिल यूज़ करते हैं, और जो लेटर हमें लिखना है, लेटर न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसको लिखने के लिए हम एच पी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर लेटरिंग। कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ड्राइंग नंबर्स, टाइटल ब्लॉक एंड लेटर डिनोटिंग कटिंग प्लेन सेक्शन आर रिटन इन 10 mm साइज। कोई नंबर टाइटल ब्लॉक में कोई लेटर है जो हमें बनाना है तो उसके साइज क्या होनी चाहिए, 10 mm। ड्राइंग टाइटल इज रिटन इन सेम 10 mm साइज। ड्राइंग जो टाइटल हम बनाते हैं टाइटल ब्लॉक, तो उसमें ड्राइंग का जो टाइटल लिखना होता है वो अपन को 7 mm साइज में लिखना होता है। हैचिंग, सब टाइटल्स, मटेरियल्स, डायमेंशन, नोट्स एक्सेट्रा रिटन इन 3.5 mm साइज। नॉर्मली है, दिस इज नॉट पर्टिकुलर, नॉर्मली व्हेन वी यूज, व्हेन वी राइट एनी डिटेलिंग इन अ ड्राइंग, तो जैसे सब टाइटल हो गया, मटेरियल, डायमेंशन, नोट्स वगैरह कुछ भी है, तो उसकी हाइट नॉर्मली हम 3.5 mm की रखते हैं। स्पेस बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के बीच में स्पेस होता है वो होना चाहिए 3/4 H। एच यहाँ पे हमारा क्या है, हाइट ऑफ द लेटर, जो भी हम लेटर की हाइट ले रहे हैं वो एच है, तो उसके रिगार्डिंग हम उसका स्पेस दे रहे हैं 3/4। मतलब जैसे ये कोई लेटर है, जैसे ऐसे ही लेटर है, तो इसके 3/4 तक अपन को स्पेस देना चाहिए लाइंस के बीच में। स्पेस बिटवीन वर्ड्स में बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ अल्फ़ाबेट एम और 3/5 H। वर्ड्स के बीच में हम जो स्पेस देनी है, तो या तो हम जो विड्थ है, जैसे हमने लेटर का हाइट रखा है एच, तो उसकी विड्थ हमने रखी है एम साइज का है, तो उसका जो अल्फ़ाबेट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द अल्फ़ाबेट एम और 3/5 ऑफ एच, तो उसकी हाइट हम क्या रखनी है, सॉरी स्पेस क्या रखना है वर्ड्स के बीच में, या तो विड्थ रखनी है, विड्थ के बराबर रखनी चाहिए, या फिर जो हाइट का 3/5 टाइम्स इतनी हमें स्पेस रखनी चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ लेटर्स। साइज ऑफ लेटर्स इज मेजर्ड बाय द हाइट एच ऑफ द कैपिटल लेटर्स एज वेल एज न्यूमरल्स। जो साइज ऑफ लेटर्स मेजर बाय द हाइट एच ऑफ द कैपिटल लेटर्स एज वेल एज न्यूमरल्स, जो भी अपन एच मैंने बताया था, जो मेज़र करते हैं किसी भी लेटर की हाइट, तो वो एच अपन एच नाप का करते हैं, कि एज अपन मानते हैं इसको एच हाइट का मानते हैं, वो कैपिटल लेटर्स और न्यूमरल्स वैल्यूज में होता है। एज अपन स्मॉल लेटर्स, जैसे अपन यहाँ पे ए बनाया, तो ए को स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को अपन एच हाइट नहीं दे सकते, इट शुड बी कैपिटल लेटर्स और किसी न्यूमरल वैल्यू को ही अपन एच देते हैं। स्टैंडर्ड हाइट्स फॉर कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स रिकमेंडेड बाई BIS आर गिवन बिलो। जो BIS ने कुछ अपन को हाइट्स रिकमेंड कर रखी है लेटरिंग के लिए, तो वो इस तरह है 1.8 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, तो ये हमें इस हाइट के लेटर्स बनाने चाहिए। बट दिस इज़ नॉट, मतलब ये गाइडलाइंस में दे रखे हैं, लेकिन नोट साइज ऑफ द लेटर्स में भी सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द ड्राइंग। जो हम ड्राइंग बना रहे हैं, जिस टाइप के ड्राइंग बना रहे हैं, जो साइज है हमारी ड्राइंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेटरिंग को करने में। मतलब कि किसी भी ड्राइंग के जो हम डिटेलिंग्स करते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारी जो ड्राइंग है उसकी साइज पर, तो उसी के साइज पर, ड्राइंग के साइज पर हमारी जो लेटर्स या जो डायमेंशन हम लिखते हैं वो डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर लेटरिंग। थिन हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस आर ड्रॉन फर्स्ट एट अ डिस्टेंस एच अपार्ट। थिन हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस आर ड्रॉन फर्स्ट एट अ डिस्टेंस एच अपार्ट। हमें एक हम शीट भी प्रिपेयर करते हैं इस सेमेस्टर में लेटर्स के और न्यूमेरिकल वैल्यूज के, तो उसको बनाने से पहले हमें गाइडलाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। गाइडलाइंस के ऊपर ही हम अपना लेटर्स और न्यूमरल वैल्यू शो करते हैं, तो जो गाइडलाइंस हमें ड्रॉ करनी होती है थिन हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एच डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जो इसकी टेक्निक है, लेटरिंग की जो टेक्निक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द लेटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर्टिकल लाइन एंड कर्व लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमने पहले भी देखा है इस लास्ट वीडियो में,
तो उसमें लाइन ऑफ स्ट्रोक में इसमें हमेशा ये दे रखा होता है कि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं या इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे, और कोई हम कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं या सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हम, या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हम हमेशा टॉप टू बॉटम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर लेटरिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड द गाइडलाइंस आर नॉट वेस्ट। जो हमारी लाइन कंप्लीट, मतलब लेटरिंग, मतलब जो डायमेंशन या जो भी हमने टाइटल या कुछ भी लिखा है, कुछ भी डिटेलिंग लिखी है, लिखने के बाद हम गाइडलाइंस गाइडलाइंस इरेज नहीं करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस, वैल्यू और साइज। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं, कैपिटल लेटर का हमने पहले ही बोला था, तो कैपिटल लेटर के हाइट को अपन एच से डिनोट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हो गई एच। तो नॉर्मली जो एच होती है वो कौन कौन सी हाइट में अपन ले सकते हैं ड्राइंग में, 2.5 mm, 3.5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm एंड 20 mm। फिर नेक्स्ट है लोअर केस लेटर हाइट। लोअर केस का मीनिंग क्या होता है, जो अपन लिखते हैं, अपन कहते हैं स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स होते हैं तो जो हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स की हाइट को इन्होंने डिनोट किया है ए से। तो ये जो स्मॉल लेटर की जो हाइट होनी चाहिए, वो जो कैपिटल एच से कितना टाइम होनी चाहिए, 5/7 टाइम ऑफ हाइट। तो इसका मतलब है, जैसे हमने 3.5 mm की हाइट का लेटर बनाया है ए, तो जो शॉर्ट लेटर है, मतलब स्मॉल लेटर है ए, तो वो हम जो ड्रॉ करेंगे वो 2.5 का होना चाहिए। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट किया, 5/7 ऑफ एच, तो 5/7 इंटू एच क्या है अपना, अगर अपन ने हाइट 3.5 mm माना है तो 5/7 इंटू 3.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 mm का आ जाएगा। इसी तरह अगर अपने कैपिटल लेटर 5 mm का ड्रॉ किया है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो स्मॉल लेटर होना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे 5/7 इंटू 5 mm। तो ये हो जाएगा अपना स्मॉल लेटर की हाइट आ जाएगी 3.5 mm। तो इसी रिगार्डिंग हम नेक्स्ट स्मॉल लेटर की हाइट निकाल सकते हैं कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ लाइन्स। तो जो लाइंस की थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं लेटर्स प्लान में, तो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, 1/14 ऑफ हाइट, 1/14 ऑफ कैपिटल लेटर एच। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे 2.5 हुआ तो 1/14 इंटू 2.5 तो इक्वल टू आ जाएगा 0.18 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए लाइन की। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। अपन कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे स्पेसिंग लिखा अपन ने, तो एस और पी के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1/7 ऑफ एच। तो 1/7 अगर एच अपन ने 2.5 mm ली है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.35 mm अपनी स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर अपन ने स्पेसिंग ले ली, जैसे मान लो जो हाइट ले ली अपने कैपिटल लेटर की 7 mm ले ली, तो उसमें स्पेस अपन को देना पड़ेगा लेटर्स के बीच में 1 mm। नेक्स्ट है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। तो वर्ड्स के जो दो वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसको डिनोट कर रखा है इन्होंने डी से। तो वो भी एच के रेस्पेक्ट में होगा, एच अपने कैपिटल लेटर की हाइट, तो ये होता है 3/7 ऑफ एच। तो हाइट हो गया 3/7 ऑफ एच हो गई इसकी हाइट। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, अगर अपन कैपिटल लेटर की हाइट ली है 2.5 mm, तो डी अपन निकालेंगे 3/7 इंटू 2.5, तो ये अपना आ जाएगा 1.05 mm। तो वर्ड्स के बीच में अपन को स्पेस देना पड़ेगा 1.05 mm का। तो इसी तरह जैसे अगर 10 mm की अपन ने कैपिटल लेटर की हाइट दी है तो जो स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स हो जाएगा 3/7 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4.2 mm का अपन को स्पेस देना है दो वर्ड्स के बीच में। मिनिमम स्पेस बिटवीन बेस, बेस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए 10/7 ऑफ 10/7 इंटू एच। जैसे 2.5 mm की अगर अपनी हाइट है कैपिटल लेटर की और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन्स अपन को करना है, तो ये हो जाएगा
10/7 × 2.5, तो ये हो जाएगा अपना 3.5 mm के बीच का, अपना लाइन के बीच में अपना दो लाइन के बीच में स्पेस हो जाएगा, बेस लाइन के बीच में जो स्पेस है अपना ये इतना हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, हम उसमें लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कैसे ड्रॉ करते हैं और नंबर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।